हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि होगा संस्कृत से रिलेटेड। हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक व्यक्ति जिनका नाम है ऋषि राजपोपट, इन्होंने एक थीसिस की है। जो थीसिस है ये संस्कृत से संबंधित है। इन्होंने बताया कि लगभग हम 2500 सालों से संस्कृत को एक गलत तरीके से पढ़ रहे थे, यानी संस्कृत में विभिन्न प्रकार के जो अपवाद आए हैं वो अपवाद कुछ गलतियों की वजह से हुई। वो गलती क्या थी उसके बारे में डिटेल से समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा संस्कृत का इतिहास, संस्कृत के व्याकरण का इतिहास। हम सब लोग जानते हैं कि संस्कृत एक विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है जिसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पर एक ऋषि, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पाणिनि एक ऋषि थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। इस अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों के माध्यम से इन्होंने शब्द निर्माण, इस शब्द का निर्माण कैसे होता है, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, इस पूरी प्रोसेस को बताया इन 4000 सूत्रों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर कुछ एक कमी रह गई। वो कमी ये थी कि इस पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझना, उसे समझने के लिए, उसे समझने से आसान बनाने के लिए बाद के कुछ ऋषियों के द्वारा यहाँ पर टीकाएं लिखी गई। जैसे कि आप सब लोग जानते ही भी हो सकते हैं कि जैसे एक पतंजलि, ऋषि पतंजलि हुए, उन्होंने महावास्य लिखा। एक कात्यायन ऋषि हुए, इन्होंने वार्तिक लिखा। इन्होंने इन इन महा इन टीकाओं के माध्यम से, महावास्य और वार्तिक के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी को समझने में आसानी बनाने के लिए कोशिश किया। इन्होंने इस क्रम में इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण अपवाद संस्कृत में बहुत ज्यादा हो गए, और इसके कारण संस्कृत को एक कंप्यूटर की भाषा बनाने में एक सबसे बड़ी चुनौती आई। एक सबसे बड़ी चुनौती आई। इस चुनौती क्या थी, क्या समस्या हुई, पाणिनि ने क्या कहा था, पाणिनि ने क्या नहीं कहा था, और बाद के टीकाकारों ने क्या इसमें गलती कर दी, और इस गलती को ऋषि सुनक ने, ऋषि राजपोपट ने कैसे सुधारा, इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे किसी भी शब्द का हम निर्माण करते हैं तो बेसिकली दो चीजें होती है। एक होता है उसमें मूल शब्द और उसके साथ लगा होता है उसमें प्रत्यय। जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द है जिसका नाम है रामः। रामः ये शब्द का निर्माण हमें करना है तो इसके लिए यहां पर मूल शब्द होता है राम और साथ में लगाना होता है इसमें प्रत्यय सु। अब ये जो सु होता है ये परिवर्तित हो जाता है विसर्ग में। इसके लिए जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र आप यहां पर देख सकते हैं लगा हुआ है 1.39 ना 8.26। ये विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं जिसने सु को यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, यानी प्रत्यय को इस प्रकार से चेंजेस लाया गया कि वह एक पद में, यानी एक शब्द में परिवर्तित हो गया जिसका नाम है रामः, रामः। अब यहां तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या आती है तब जब एक साथ दो सूत्र लगते हैं। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमें शब्द बनाना है मैत्रही ना, क्या मंत्र ही, सॉरी, क्या शब्द बनाना है, मंत्र ही। तो मंत्र ही शब्द हमें बनाना है, तो मंत्र ही शब्द बनाने के क्रम में यहां पर कुछ गलतियां होने लगी। वो गलतियां क्या थी, जैसे यहां पर ये शब्द मैं लिख देता हूं, यहां पर मंत्र ही ये शब्द हमें बनाना था। अब उसके लिए फिर वही प्रोसेस होगी कि एक मूल शब्द होगा और साथ में लगा होगा प्रत्यय। प्रत्यय यहां पर भिस प्रत्यय, भिस प्रत्यय। अब ये भिस प्रत्यय कैसे, ये मूल शब्द मंत्र है और ये है भिस प्रत्यय। अब इसमें बहुत सारे सूत्र लगे, लेकिन सूत्रों के क्रम में दो सूत्र ऐसे हैं जो एक साथ लग गए। अब एक साथ लगे ये और ये, अब यहां पर चुनौती हुई कि हम कौन सा सूत्र लगाएं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो 4000 सूत्र थे उन सूत्रों में से ये दो सूत्र फिट हो रहे थे। अब लेकिन पाणिनि ने ये नहीं बताया कि कौन सा सूत्र लगना है। ठीक है, अब बाद के ऋषियों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए टीका लिखी, तो जिसमें से एक टीकाकार थे कात्यायन ऋषि, इन्होंने लिखा वार्तिक। उन्होंने यह बताया कि जब भी आपको कुछ ऐसी समस्या हो जहां एक साथ दो सूत्र लग रहे हैं, वहां पर आप सिंपल सा कि बाद वाला सूत्र लगाइए। मतलब जैसे यहां पर मैं मान के मान एक जैसे एग्जांपल देता हूं, 21 और 25 सूत्र लग रहे हैं एक साथ, तो हम यहां पर किसी प्रकार की समस्या का समाधान, किसी प्रकार की समस्या ना हो उसके लिए क्या करना है, लास्ट वाला सूत्र लगा देना है, यानी कि पहले वाला जो सूत्र होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। सेम इसी तरह 19 और यदि 21 लग रहा हो तो 21 वाला फॉलो होगा, है ना, यानी कि जो बाद में संख्या आ रही है वो फॉलो होगा। अब इस वाले क्रम में यहां पर यह बताया गया कि यहां पर 7.1 है और यहां पर 7.3 है। अब यहां पर जो कात्यायन ऋषि ने बताया उसके कारण क्या हुआ, यहां पर सूत्र फॉलो होगा 7.3 सूत्र होगा, तो 7.3 सूत्र होगा, उसके कारण यहां पर जो शब्द का निर्माण होगा वो शब्द का निर्माण होगा मैत्रे भी शब्द का निर्माण होगा। लेकिन ये शब्द तो गलत है, हमारा शब्द क्या बनेगा, मंत्रे ही, है ना, क्या शब्द बनेगा, मंत्रे ही बनेगा। तो इसे बनाने के लिए फिर यहां पर कार्तिक, यहां पर फिर वार्तिक जोड़ा गया कात्यायन ऋषि के द्वारा। इसके कारण बहुत सारे अपवादों का निर्माण होने लगा, बहुत सारे वार्तिक बनने लगे। इसके कारण संस्कृत क्या हो गई, एक कंफ्लिक्ट वाली भाषा हो गई। यहां पर जो रिसर्च की गई, यहाँ ऋषि राजपोपट के द्वारा, वो बहुत सिंपल उन्होंने बताया, है ना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सिंपल सा ये बताया कि यहां पर जो रूल फॉलो होगा वो रूल फॉलो होगा बाद वाला,
बाद वाले का मतलब दाहिनी साइड वाला, दाहिनी साइड, ये दाहिनी साइड हमेशा यहां पर आपको बाईं और दाईं साइड चुननी होगी, तो यहां पर हमेशा आप दाईं साइड चुनेंगे। और यहां पर कोई मतलब नहीं होगा कि यह मंत्र बाद में आया है, यह सूत्र बाद में आया है, या यह सूत्र पहले आया है। तो सूत्र यहां पर पहले आए या बाद में आए, 21 हो या 22 हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जो प्रत्यमय यानी दाहिनी साइड में जो सूत्र लगेगा वही सूत्र यहां पर फॉलो होगा। और इस कंडीशन में यहां पर 7.1.9 सूत्र फॉलो होगा, और जिसके कारण मंत्र ही शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जितने भी बाद के समय अपवाद बने, वार्तिक बने, इन्होंने, इनकी रिसर्च ने, ऋषि राजपोपट की रिसर्च ने इन अपवादों को समाप्त कर दिया, और जिसके कारण अब संस्कृत को एक कंप्यूटर की भाषा, लिंग्विस्टिक के रूप में पढ़ने में आसानी होगी, कोडिंग डिकोडिंग करने में आसानी होगी। और ये एक संस्कृत के मायने में देखा जाए, जो हम 2500 साल से संस्कृत को एक गलत तरीके से पढ़ रहे थे, उसे पढ़ने में यानी उसे समझने में काफी आसानी मिलेगी। और हो सकता है कि भविष्य में एक संस्कृत के विकास में प्रभावी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद।